हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी हो रहा है सुबह के 8:43। तो अभी अभी मैं उठा और आज का क्या प्लान है कुछ ब्लॉग बनाने का कुछ मेरे को मालूम नहीं है, देखते हैं। लेकिन एक बहुत ही स्पेशल चीज़ आने वाली है, मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा वो। लेकिन वैसे तो आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे जब तक मैं इसको पोस्ट करूंगा वगैरह वो सब करके। तो बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। तो आज वैसे जल्दी उठ गया मैं, क्योंकि मतलब वैसे तो जल्दी उठता नहीं ये टाइम पे मैं, आज उठ गया हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गए मेरे। तो पहले वैसे भी छुट्टियाँ चल रही थी तो कहाँ इतने जल्दी कौन उठता है भाई। थोड़ी देर पहले मैं उठा और थोड़ा मुंह पे पानी वानी मारा, टी शर्ट वगैरह चेंज किया और थोड़ा ऑनलाइन क्लास में बैठना है इसके लिए। तो थोड़ी देर में मेरे ऑनलाइन क्लासेस चालू होने वाले हैं। वैसे मैं मतलब मेरा 10 बजे का जिम रहता है, लेकिन अभी मेरा थोड़ा उसको टाइम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मेरा ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गए और उनका भी यही टाइम है 9 से 10 या फिर 10 से 11। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, अभी देखते हैं। मतलब जिम टाइम मेरा वैसे 10 बजे रहता है, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी कर लेने वाला हूँ, कुछ 7 या फिर 8 को देखते हैं क्या कैसा जमता है वगैरह। तो वैसे अभी मम्मी काम कर रही है और पापा यहाँ तो पूजा कर रहे हैं। और ये देखो अलसीराम, इसको वहाँ से उठाया तो यहाँ पे आके सो गए। ए उठे, ए उठ। वो एक साइड में अपनी चाय बन रही है और दूसरे साइड में मम्मी फटाफट नाश्ता भी बना रही है मेरे लिए। आज तो बहुत सही बना है, मजा आएगा। तो मेरा चाय नाश्ता हो चुका है और मैं थोड़ा लेट हो गया, अपना मीटिंग चालू होने वाली है तो देख लेते फटाफट लिंक आई है कि नहीं। ओके, तो लिंक अभी तक आई नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ऐश करो। तो अभी मेरे साथ सीन हो गया, मैंने नेट ही चालू नहीं किया था और मैं व्हाट्सएप चेक कर रहा हूँ कैसे आएगी भैया लिंक। ओके, तो नहीं आई अभी तक। तो अभी भी मैसेज आया टीचर का कि आज ऑनलाइन क्लासेस नहीं होने वाली 9 बजे की। तो मैं तो चला भाई अभी फटाफट जिम, आते हैं फिर 10 बजे भी क्लास है तो उसको भी अटेंड करना पड़ेगा, तो मैं फटाफट निकल रहा हूँ अभी। तो अभी भी मैं जिम से आया हूँ और अभी तक तो कोई मैसेज तो नहीं अगले अपना क्लास का, तो देखते वेट कर रहा हूँ मैं। तो हमारा टीवी खराब हो गया थोड़ा कल, इशू की वजह से थोड़ा ख़राब हो गया, सेटअप बॉक्स भी गया, टीवी भी गया। तो भी पापा ने इसको निकाला है और लेके जाने वाले दुकान वाले के पास देखने के लिए कि क्या हुआ है क्या नहीं, कुछ मालूम नहीं है। मतलब बंद ही पड़ गया, चालू ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों कैसे हो जाने दो। थोड़ी छोटी कहानी है लेकिन बहुत ज़्यादा अतरंगी है, इसके लिए मैं नहीं बताना चाहता। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टीवी लेके बाहर दिखाने के लिए कि क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ है क्या हुआ है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो हम लोग दुकान से आगे बाहर और प्रॉब्लम क्या थी पता चल गई है। तो अच्छा होगा, ज़्यादा कुछ था नहीं तो सिर्फ थोड़ा बहुत था। मैं भी आप लोगों को घर पे जाके बताता हूँ क्या हुआ। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. तो अच्छा हुआ कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं टीवी में, तो हम लोग को लग रहा था कि टीवी में कुछ हो गया होगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा वर्चा आ जाएगा और बहुत कुछ हो जाएगा, तो वैसा कुछ तो हुआ नहीं। तो प्रॉब्लम खाली इतनी थी कि जो उसके कनेक्टर आते वायर्स आते वही खराब हो गए थे, तो उसको उन्होंने अभी चेंज किया। ओके, तो टीवी असेंबल हो चुकी है और फाइनली अभी अपना मैसेज आ गया, लिंक आ गई मीटिंग के लिए। तो अभी मेरे को अटेंड करना पड़ेगा अपना क्लास। मेरे ऑनलाइन क्लासेस हो चुके हैं ख़त्म और अभी टाइम हो रहा है 1:20। तो अभी तक अपना जो जो चीज़ आने वाली थी अभी नाम नहीं लूँगा, वैसे आप लोगों को बताइए, लेकिन फिर भी मैं मेरे लिए अभी तक आया नहीं है तो मैं नाम नहीं लूँगा। वो चीज़ अभी तक आई नहीं है और मेरे से मतलब रहा नहीं जाता, तो मेरे पास बार बार घड़ी देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कब आएगा कब आएगा कब आएगा। मतलब वो मम्मी बना रही है रंगोली, नवरात्रि के टाइम पर हर साल बनाती है 9 दिन। खाना बन चुका है और मेरे को लगी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं तो अभी चला खाना खाने। तो देखते क्या बना है। आलू
इसमें क्या है, चावल, रोटी, इसमें क्या, दाल। और अपना जो पार्सल था वो आ गया है, तो अभी लेट्स अनबॉक्स इट। तो भाई साहब मोबाइल आ चुका है, और बाप रे बॉक्स देखो बाप लोग, कितना बड़ा बॉक्स है, मतलब देख के मैं तो वो हो गया हूँ। तो लेट्स अनबॉक्स इट। लेकिन उससे पहले पापा घर पे ही है, और पापा सोए हैं, पापा को मालूम नहीं है, तो पहले पापा को भी उठाते हैं, फिर उनके सामने अनबॉक्स करेंगे, पूरी फैमिली मिल के अनबॉक्स करेगी। देखो कितना बड़ा बॉक्स है। चलो भाई साहब कितना खतरनाक दिख रहा है यार ये। और क्या क्या देते हैं ये लोग, देखते कवर, तो रियलमी के फोन्स में आता ही है ये। क्या यार, हार्ड कवर नहीं है ये, नॉर्मल कवर है, हम लोग को लगा था हार्ड कवर आएगा। और ये 65 वॉट चार्जर, कौन सा, सुपर डार्ट है या फिर सुपर डार्ट चार्ज। पापा के फ़ोन में जो रियलमी 5 प्रो था उसमें वूक चार्जर आया था, इसमें अपने को सुपर डार्ट चार्जर आया। यस, हो गया अपना फ़ोन ऑन। भाई कितना लाइट वेट है यार ये, ऑसम फील है। ये ट्रिपल कैमरा सेटअप है इसमें, 64 मेगापिक्सल, और आगे का कुछ 32 मेगापिक्सल है। फाइनली जिस इसके इतने दिनों से इंतज़ार था वो आ गई, तो अभी भी थोड़ा विश्वास जैसा नहीं हो रहा है मेरे को, तो बहुत ज़्यादा अंदर से खुश हूँ लेकिन वो बता नहीं पा रहा हूँ मैं। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है, लाइट वेट है, हैंड फील बहुत अच्छा है वगैरह सब कुछ। और इसके फीचर्स मैंने नहीं बताए, तो उसके फीचर्स बता दूँ मैं। ये 8GB रैम फ़ोन है, 8GB 128, और 64 मेगापिक्सल कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, और 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा है। तो ऐसा कुछ ट्रिपल कैमरा सेटअप है, और एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz। फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है इसका। थोड़ी देर पहले मैं और बाबा दोनों फ़ोन का कैमरा कंपेरिजन कर रहे थे, और भाई इतना ज़बरदस्त क्लैरिटी है इसका। और अभी के टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ 5G फ़ोन है यूज़ कर रहा हूँ, वो 48 मेगापिक्सल है और ये 64 मेगापिक्सल है, तो उससे आपको मतलब पता चले जाएगा कि कितना डिफरेंस होगा। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो आप लोगों को पता है कि लाइक करना, शेयर करना, और चैनल करना हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।